हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। जो लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो उनके साथ खड़े हैं, ऐसे बहुत से लड़के सुबह से ही देखिए आज मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया। जब भी मैं फुल मॉक टेस्ट कराने की या टेस्ट कराने की सोच रहा था, साथ सभी लोग आ जा रहे थे और प्रॉब्लम जेन्युइन है तो मैं इसे टाल भी नहीं सकता, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है और उनका प्रॉब्लम अगर टालने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर बात यह है कि काफ़ी लड़के जो EBC में है, BC में है, वो ये बात के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर जी हमारे पास पुराना हो है तो हम क्या बाहर हो सकते हैं, या जो नया बनाए हैं तो वो बाहर हो सकते हैं, या जो 21,391 कॉन्स्टेबल भर्ती है उसमें क्या होगा। बड़ा अभी से ही लोग प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं जब से प्रोविजन डिपार्टमेंट आपका एक्साइज वाला 689 का रिजल्ट आया है। तो ऐसे ही अभ्यर्थी हैं, अपना लाकर ये दिए हैं हमारे पास कि ये सर जी पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए इनका जो बना हुआ है 28 नवंबर 2020 का, यानी कि ये 8415 में ये फिजिकल देने गए थे इनका, ये सब आप देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा इनका फिजिकल एडमिट कार्ड। तो ये आपको देने भी गए थे और यहाँ पर आपको गेट पास भी है, इनका ये सब फिजिकल भी किए थे, लेकिन इनका मेन है कि ये आपको मेरिट में स्थान नहीं बना पाए थे 8415 में। अब ये पूछ रहे कि सर जी इसमें भी अगर ऐसा कुछ कर देता है तो मेरा कैसे होगा, तो इनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात के लिए नहीं है। तो प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी आप देखिएगा कि जब आपको BC और EBC का NCL बनाने की बात किया जा रहा है, NCL उसे कहा जाता है, देखो समान भाषा में, जेकर बाबू माई भिरी हर साल 800,000 रुपया नहीं खेवत, यानी कि उकरा ले कम पैसा होता तो वो OBC या EBC या BC के अंतर्गत रहते हुए गरीब बा और उकरा के आरक्षण में भरपूर रूप से गिना जाएगा। लेकिन अगर मान लो जेकर 800,000 से ऊपर सालाना आमदनी बा तो उसको आरक्षण की क्या जरूरत है, ऐसा तो है नहीं कि सामाजिक कारण से, ये तो आरक्षण आपको आर्थिक कारण से मिल रहा है ना, सामाजिक कारण से, भेदभाव कारण से आपको SC ST को आरक्षण मिलता है, और जो OBC का मिला है ये तो आपको आर्थिक रूप से, ठीक ना, सामाजिक भी कुछ है लेकिन आर्थिक ज्यादा है इसमें, इसीलिए इसमें पैसा वाला जोड़ दिया है, जबकि SC ST में कहीं भी पैसा वाला अपना देखिएगा, EWS भी पैसा वाला जोड़ा गया है कि आर्थिक रूप से मिल रहा है। तो पहले जो 6 लाख था उसे बढ़ा दिया गया और आपको 8 लाख कर दिया गया ABC और BC के लिए भी। आप इस पर जूम कीजिए, ये लड़के का ये जो है, तो ये चीज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कहीं मत जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पुराने जो रखे हुए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने अगर आपके पास होगा, यानी कि NCL नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर खोलेंगे और CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिखिएगा कि ये नीचे वाला, देखिए इस पर थोड़ा जूम कीजिए आगे आइए जी, ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है आरक्षण, ये नीचे वाला सीधे आरक्षण, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए, ये आप देखिएगा कि कब, तो 16/6/2013 के डेट में क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण आया है और इस पर क्लिक कर लेना है। यही आपको तो प्रोविजन डिपार्टमेंट वाला भी जारी किया है, उसमें भी यही चीज आपको देखने को मिल रहा है। बस छोटा सा वीडियो होगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन। अब देखिए ये सबको लिखा गया है, सभी प्रधान सचिव को लिखा गया है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा गया, जिलाधिकारी को लिखा गया, सभी यहाँ पर आप देखिएगा जो भर्ती उर्ती जो भी होता है सबको ये आपको भेज दिया गया है, ठीक। निर्देशानुसार कहना है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/11 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जा चुके हैं। उस क्रम में विभागीय परिपत्र संख्या 11,490 दिनांक 16/8/2012 द्वारा संशोधित अवश्य दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें क्या है, ये दिया हुआ है परिपत्र संख्या 673 में, जो कि आपके एक्साइज वाला भी आया था उसमें भी लिखा था। प्रधान है कि साफ साफ किसके लिए ले रहा है, ना कि निवास के लिए लिख रहा है, ना कि जाति के लिए लिख रहा है, ये ईबीसी के लिए, मतलब ईबीसी में और बीसी में क्रिमिलियर रहित के लिए लिख रहा है। प्रधान है कि क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार निर्गत नहीं किए जाएंगे, पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रिमिलियर नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ प्रमाण पत्र, जो कि 18 नंबर वाला फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि एक्साइज वाला जो जारी किया है, नीचे में आपको देखिएगा कि आपका नाम, पापा का नाम, आपका घर कहाँ है, ये सब कर अपना स्वयं यानी हस्ताक्षर कर देना है तो जारी किए जाए, मतलब कि पहले आपको जो है पहले का जो निर्गत नहीं किए जाएंगे, पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रिमिलियर नहीं होने संबंधित स्वयं शपथ पत्र आपको देना है, जो आप खुद भरेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट होंगे खुद भरेंगे कि अपना नाम बस लिखेंगे। और बावजूद इसके बार बार नया प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, अथवा उसका अनुपालन नहीं होने की शिकायत दर्ज हो रही है, उसी पर यह है कि आपको पुराना भी प्रमाण पत्र है जो बार बार NCL नहीं निर्गत किया जा रहा है, तो उसके लिए आप ये मान्य होगा। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम किसे आ सकती है, जो प्रॉब्लम आया है वो नए स्टूडेंट को देखने में आया, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट बनवाते हैं उनको देखने में है। इस फॉर्म भरने से पहले यानी कभी भी तो आप NCL बनवाए होंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं आप NCL बनवाए, यानी कि नॉन क्रिमिलियर वाला कभी नहीं बनवाए हैं, तब जाकर आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा अगर आप फॉर्म भरने के बाद बनवाए हैं तो।
विद इन ड्यूरेशन में फॉर्म भरने का ड्यूरेशन या उससे पहले बनवाए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से तैयारी में लगे रहिए। ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है और आज बाल दिवस है तो आप सभी लोगों को बधाई हो। और बाल दिवस होने के कारण देखिएगा बहुत से लड़के आ रहे थे तो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट होगा कि सबका डाउट क्लियर किया जाए और आप जो देख रहे वीडियो उनके भी मन में डाउट होगा ही होगा कि सर जी ये क्या हो रहा है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट है ना, तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये रहता है कि जो डाउट है उसे खत्म किया जाए। ठीक, ईडब्ल्यूएस वाले सुबह से लड़के आ रहे हैं सर जी, जबकि आप देख सकते हैं कि पटना में छुट्टी, हर जगह छुट्टी चल रहा है, आपको लेकर छठ का छुट्टी है, लेकिन मैं भी आपको सेट बना रहा था आप लोगों के लिए ही। लड़के आए बोले सर जी ऐसे ऐसे बात हो गया, उदास है, ये तीन बार आ चुके हैं यहाँ पर, कल भी आए थे आई थिंक, और आज दो दो बार आ चुके हैं, तो मुझे ये ड्यूटी बन रहा था कि एक आपको अच्छा नागरिक होने के नाते और टीचर होने के नाते बाल दिवस पर ये डाउट क्लियर करो। और इनका ये पहले है 8415 में, ये आपको मेरिट में छटे थे और इस बार इनको मेरिट कोई भी हाल में लाना है, और लाएंगे भी, मिठाई खिलाएंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है, स्टूडेंट है स्टडी मोड का ये, और एक बार झंडा गाड़ेंगे, ठीक, अच्छा स्कोर भी आता है। सो आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग पैनिक मत होइए, हर एक चीज से मैं बात कर रहा हूँ, हर ब्लॉक में भी कोशिश स्तर हो रहा है कि जो ये मान्य होगा, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर एक साल का मान्य होता है तो आपको ब्लॉक लेवल पर 3 साल का, यानी कि स्टेट लेवल पर 3 साल का एनसीएल का मान्य होता है, तो वो मान्य माना जाएगा कि पहले वाला जो मान्य चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। जैसे ही हमको बात होता है ब्लॉक में दोस्त से, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ये मान्य होगा, और आप लोग चिंता करना छोड़ दीजिए, तैयारी में लगे रहिए। बस आपके लोगों से रिक्वेस्ट होगा, बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो थोड़ा ये कम कर दीजिए, क्योंकि ये इंसान हम बचे हुए, सभी टीचर लोग छुट्टी पर चले गए हैं और मैं इतना करते हुए आप लोगों का कॉल कैसे रिसीव कर सकता हूं, तो प्लीज इसके लिए सॉरी है, बट आप लोग अपना धैर्य बना रखिए, जो भी होगा, जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगा मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और बस ये तो एक मनोबल गिराने का लड़कों का ये एक सीएसपीसी रवैया अपना रहा है, मुझे लग रहा है कि इसे ये चीज नहीं लागू करना चाहिए था, जो पहले से चलता आ रहा है उसे लागू करना चाहिए था, या स्पष्टीकरण उसे जारी कर देना चाहिए था। नए नए स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए, एनसीएल कब का चाहिए, लेकिन पूरा फॉर्म जो आपको फॉर्म पर अप्लाई करते हैं तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा काम कर लीजिए, नहीं तो बाद में जाकर दिक्कत फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग उस समय बोले थे कि ना उसी समय लगेगा, तो अब आपको उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं कि उनका क्या ये कहने का मतलब था। और प्लीज़ धैर्य बनाकर रखिए, मैं आशा करता हूँ कि आगे की जो भी वीडियो होगा उसमें पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ सब चीज़ आपको पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा कोशिश रहेगा कि सीएसबीसी में मैं बात करूं और आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हरे कृष्णा हरे राम, बाय बाय।